हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम गांव में हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और बेटा है तो आपको ना हम पुराने वाला घर दिखाएंगे जो हमारे ग्रैंड फादर इन ला का है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो फादर इन ला ने बनाया है तो आपको बाद में शेयर करेंगे हम। तो पहले वो वाला दिखा देते हैं कि हमारा जो है पुराना घर, यानी बहुत ज्यादा पुराना घर कैसा है। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं। तो ये है हमारा घर और ये ऊपर है नया घर हमारा, वो जो फादर इन लॉ ने ग्रैंड फादर इन लॉ ने बनाया है, तो वो वहाँ आपको लेके चलते हैं हम। और ये है गाय वगैरह, भैंस है, यानी गाय तो नहीं है, भैंस बांध रखी है। हाँ, नया घर और ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ है इस घर का। और गाय भैंस रखते हैं तो कितना अच्छा है। तो ये है गाय भैंस बांधते हैं ना, वैसे आजकल एक ही भैंस है ये, और हम भी अपने दिखाएंगे कि हमने कैसे रखे हैं। तो ये हमारे चाचा जी की है भैंस, चाचा ससुर जी की। और ये है, ये भी दादा के टाइम यानी कि ग्रैंडफादर के टाइम से ही बनी हुई है। ये बहुत पुराने पुराने हमको हम घर दिखाएंगे। पहले तो आपको यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए कद्दू की बेल है। तो मैंने ना सुबह सुबह इसका साग भी बना दिया था, कद्दू का खाली पत्तों का। ये देखिए पूरा भरा हुआ है, लेकिन अभी ये थोड़ा इसको इनको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा बाद में बताएंगे हम। ये देखिए इतना गहरा ये, और यहाँ भी ना एक बेम्बू का बहुत बड़ा प्लांट था तो हमने निकाल दिया वो। ये देखिए और ये जो है हमारा ग्रैंडफादर इन लॉ ने बनाया है, तो वो आपको दिखाते हैं हम। मेरी जो शादी हुई थी यही हुई थी। तो यहाँ कहाँ है ना घर बना रहे हैं, तो उसका ही काम चल रहा है, अभी प्लास्टर वगैरह करना है। और ये है एक चाचा जी का घर, और यहाँ भी दूसरे चाचा जी का घर था, लेकिन उन्होंने हाफ जो था वो निकाल दिया है। और ये सबसे पुराना घर है, और ये जो बना था वो यानी मेरी शादी से पहले थोड़े दिन ही बना था पहले। और ये तो मेरे को लगता है पता नहीं कितने साल हो गए, पूछ के पता चलेगा। तो ये हमारा पुराना घर ग्रैंडफादर इन लॉ का बनाया हुआ। और ये वाला हमारा है, और एक साइड का दूसरे चाचा जी का है, और ये किचन है, ये देखिए। तो अभी जो है ये भी जो घर है वो भी अभी पूरा निकाल देंगे, इसमें न्यू घर बनेगा जैसे इन्होंने बनाया ना, देखिए वैसे ये बनाया ना वैसे ये बनेगा अभी। ये हमारी स्कूटी है, डैडी जी ने ली है। तो ये पिछले साल हम लोग जब आए थे सर्दी में, तो तभी उस टाइम दीपावली पे ली थी। और ये हमारा रूम, मेरा फेवरेट रूम यही है, बहुत अच्छा लगता था ये रूम, बहुत ठंडा एसी की तरह रहता था। ये विंडो है, ये देखिए। और ये हमारा ना ऊपर का चढ़ने वाला है, बोर्ड बोलते हैं, जो हिमाचल वाले होंगे ना वो समझ गए होंगे। तो ये हमारी बोर्ड है, यानी कि डबल घर होता है, नीचे भी रूम होता है ऊपर भी रूम होता है। तो ये इस हैं तो क्यों हाँ, तो इस घर को हम लोग लॉक लगा के रखते हैं, और ना इसमें स्टोर रूम बना रख के रखा है। आपको दिखाते हैं हम खोल के क्या क्या रखा हमने यहाँ पर, जब हमें चीज की जरूरत होती है ना तो वहां डालते हैं। ये देखिए ये हमारा पुराना घर, और हम मेरे बेड जो है इधर ही लगे हुए थे। और ये मेरी शादी की बेटा, ये है शिक्षा मेरी, ये है शादी की शिक्षा। यहाँ हिमाचल में क्या रूल होता था ना, जब शादी करने आते थे ना, तो जो लड़की की बहन होती है तो वो शिक्षा को पढ़ती है, यानी कि जो वर्ड्स इसमें लिखे होते हैं आपको मैं शेयर करूंगी किसी दिन कि क्या क्या लिखा है इसमें। तो वो जो शर्तें होती हैं वो यानी कि जीजा जी को सुनाती है साली कि ऐसे से होना चाहिए। और ये देखिए
ये शायद मेरे चाची सासू माँ जी की है कुछ पेंटिंग, और कुछ मम्मी जी की है, यानी कि सबके अभी काफी निकाल दिए हैं यहाँ से। और ये देखिए, ये हमारे जो है हैदराबाद के डैडी जी के फ्रेंड है, जब हैदराबाद रहते थे ना डैडी जी, तब अभी ये भी भैया लोग बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और मैं तो मिली हूँ उनसे, जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं गई थी हैदराबाद, तो मैं मिली थी इनसे। आंटी भी बहुत अच्छे, गढ़वाल की आंटी है ये, तो अभी भी इनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट है, यानी कि भैया लोग जो है फोन वगैरह करते थे। और ये हमारे डैडी जी और मम्मी जी, दादाजी, दादी और दीदी हमारी। और ये है ओजी भाई हमारा देवर बांबा। हाँ अच्छा, ये पता नहीं चाचा जी का फोटो है, स्कूल फोटो, स्कूल फोटो ना चाची? हाँ स्कूल है ये, तो पता नहीं कौन से चाचा जी का है, क्योंकि प्रिंट नहीं, प्रिंट नहीं पहचान आ रहा ना। तो ये देखिए तो ये देखिए ऊपर ऊपर छत है, और इसके ऊपर भी रूम है, और ये है पूरा हमारा घर। और ये देखिए, ये मेरे जो भगवान है, मेरे दहेज में आए थे भोले शंकर, और ये जो है मम्मी जी ने बनाए थे जब मम्मी साथ में रहते थे ना, तो सासू माँ जी ने बनाए। और ये देखिए, ये पुराने मेरे को, ये ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये, इसका जो लुक है ना रूम का बहुत अच्छा था, जब हमने हम लोग रहते थे ना तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखा था, और एकदम ठंडा और पीस था, यानी कि। तो ये हमारा सारा रूम, और ये बना रखिए, हाँ बना रखा है स्टोर रूम, ये मेरे दहेज का टेबल है और चेयर तो ऊपर है। और ये देखिए कितना सारा लहसुन निकल रखा है, और ये पूरा स्टोर रूम बना देते हैं, कि जो एक्स्ट्रा सामान वो खेती का निकलता तो यहाँ रख देते हैं। ये देवरानी के दहेज का है, और ये पेटी वगैरह जो देते थे ना दहेज में, तो वो है अभी मेरी, पता नहीं, हाँ ये मेरी वाली पेटी है जो है, शायद मेरी वाली है। और ये देखिए, एक बेड जोड़ी है, एक दो तीन नीचे, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान है, तो ऊपर इतना सामान नहीं आता, क्योंकि वो पक्का घर बना है, तो इतना स्टोर वाला सामान नहीं आता। ये देखिए, ये दाने वगैरह स्टोर करते वो रखी है, और ये जो है देवरानी की बड़ी वाली बॉक्स है, और हमारी तीनों की ही जो बॉक्स है ना दहेज की, तो यही है। और ये बच्चों की साइकिल, ये रूम है, इसमें शायद लकड़ी भर के रखी है सारी, तो ये तो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। तो ये था हमारा सारा घर, तो अभी हम बाद में बताएंगे इसका हम क्या करेंगे। ये है लुक पूरा, और ये जो आपको ऊपर दिख रहा ना, अभी ना पहले तो अच्छे से दिखता था, लेकिन अभी नहीं दिखता। ये देखिए, ये हमारा जो है ना पूरा वो जो सीमेंट का सपोर्ट दे रखा पूरा, तो ये हमारा ऊपर वाला घर है जो। तो ये जो है रूम अभी खाली हो चुका है। हाँ, ये मैंने अपना जो है दहेज का बड़े वाला बॉक्स खोल दिया है, यानी कि इसको हम पेटी बोलते हैं, ये दहेज में आती है। ये देखिए कितनी बड़ी है, 5 फुट की थी शायद। तो इसमें मेरा सारा दहेज का सामान है, कुछ मैंने यूज भी कर लिया है, ये देखिए रजाई वगैरह, तो आपको हम दिखाएंगे। और ये मेरे बच्चों का, ये देखिए रिशु काजल का है, ये मेरी बेटी का है, ये देखिए, ये सारी मैंने पहचान रख रखी है। तो इसको हम जब सुलाते थे ना, बहुत मस्त नींद लेती थी, सोती इसका थी, ये सो जाती थी, बहुत प्यारी लगती थी सोई हुई। और तो हाँ, बेटा भी निकाल रहा है कुछ रजाई वगैरह, अभी इनको थोड़ा ना धूप में डाल देंगे हम, थोड़ा हवा लग जाएगी, और फिर इनको इस, यानी कि पेटी को जो हमने चेंज करना है यहाँ से, हमने देखा है हमने नीचे सबसे पुराने घर में रख रखा है ये सारा सामान। तो ये देखिए, अभी अंधेरे में ना आपको दिखेगा नहीं, अभी बताऊंगी आपको मैं, वो मेरा सेट भी बताऊंगी मैं। ये है मेरा दहेज का सामान। हाँ जी
तो ये बकेट है बड़ी वाली, ये पीतल की बकेट और ये स्टील की बकेट, ये कढ़ाई पीतल की, और ये मेरे को मेरी फ्रेंड लोगों ने दिए थे गिफ्ट शादी के टाइम, एक ये है। ये देखिए, और ये सेट और ये टी सेट आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, जो मैं पहले भी आपके साथ हैदराबाद में शेयर किया था ना, वो गिफ्ट मिला था तो मैंने बोला था उस टाइम कि मैं शेयर करूँगी। तो ये देखिए बड़े बड़े पतीले हैं देश के, और ये मेरा शादी के पास टाइम पास रेडियो है, ये बास्केट देश में, इसमें जो छोटा मोटा सामान था, और ये पतीले, ये देखो तो ये मेरा ब्रीफकेस, ये देखिए मेरे बेटी का फ्रॉक, क्या सुंदर लग रहा है। और ये मेरा ये पहला गिफ्ट हस्बैंड जी ने दिया था, मेरी स्वेटर, ये देखिए उस टाइम बहुत अच्छी लगती थी शादी में दूल्हा डालते हैं ना, तो वो है, इसको डाल के शादी के लिए रहते हैं घर में, तो ये सारा पुरानी मेमोरी है मेरी, तो इनको मैं अभी धूप लगाने के बाद फिर इसको रखती हूँ। और ये मेरी भाभी के देश में मुझे बगाया, बगा बोलते जो हमारे यहाँ हिमाचल में, तो ये स्वेटर ये हस्बैंड जी का है और मेरे लिए, और मैंने सूट निकाल दिया था यूज कर दिया था, और ये पैंट भी सभी पड़ी है, और ये मैंने 10th क्लास में मेरी मैंने बेडशीट निकाली थी, ये देखिए। और मेरी रजाई वगैरह है, बस अभी इतना ही, अभी हम इसको पैक कर लेते हैं धूप लगाने के बाद, इसको अभी हम पेटी में फिर वापस डाल देंगे। तो ये रूम हो गया खाली, और हम क्यों खाली कर रहे हैं ये देखिए, सारे जो फोटो वगैरह हमने निकाल दिए हैं, और हम क्यों खाली कर रहे हैं इस घर को तो आपको हम बाद में बताएंगे। ये देखिए, ये इस तरफ का हमने खाली कर दिया है, और अभी यहाँ का खाली है, खाली होने को है। तो ये देखिए हमारे हिमाचल में ये जब शादी होती तो ये पग वगैरह चलती है, जींस पग डाल के शादियों में जाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं उस टाइम जब ये पग डालती है ना सिर पे, तो बहुत बारात जो है अच्छी जचती है। तो ये शायद ये फौजी निकर है, बहुत वेस्टेड सामान इधर हमने डाल रखा, और ये जो है शायद गेहूं की पेटी है, ये गेहूं स्टोर की है कि मक्का, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं, अच्छा इसमें भी तो सामान ही है, एक्स्ट्रा सामान डाल रखा है। तो ये मैं अपना जो दहेज का टी शर्ट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यही जो दहेज में से मेरे को ये ना टी शर्ट बहुत सुंदर लगता था, और मेरा खुद का ही चॉइस था ये, और मेरा वैसे ना दहेज का ज़्यादा सामान नहीं था क्योंकि मेरे डैडी जो थे 2 साल ही एक्सपायर हुए, तो उसके बाद ही मेरी शादी थी 2 साल के बाद, तो हम कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए थे, और कुछ सामान मैंने वैसे यूज़ भी कर लिया था दहेज का। तो ये देखिए ये केटली है, तो आप बताएं कि आपको जो हस्बैंड जी का जो गिफ्ट मिला था तो वो वाली केटली टी शर्ट पसंद आया था कि ये वाला पसंद आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन बाय बाय।